हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने श्रमदान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की है। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान के चलते सफाई की। प्रधानमंत्री ने सफाई कर सफाई का संदेश दिया है। स्वच्छता अभियान चल रहा है देश भर में। एक तारीख, एक घंटा और एक मिशन, एक अभियान की बात के चलते स्वच्छता अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बीड़ा उठाया और स्वच्छता का संदेश दिया है। पीएम मोदी ने खुद सफाई की है, झाड़ू लगाते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रमदान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरे देश के लिए उन्होंने संदेश दिया है। पीएम मोदी ने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की है। स्वच्छता अभियान के चलते उन्होंने सफाई की। देश भर में स्वच्छता अभियान आज चल रहा है। स्वच्छांजलि महात्मा गांधी को अर्पित की जा रही है। पीएम मोदी ने भी श्रमदान किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन में 4 से 5 घंटे श्रमिकों के साथ मिलकर पीएम मोदी ने झाड़ू चलाई है। पूरे देश के लोगों से हालांकि पहले ही उन्होंने अपील की है कि स्वच्छता मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुद सफाई कर उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया है। आपने ये जो सोशल मीडिया का जवान भी जो है और जो बड़ी बड़ी जिम में जाने वाले लोग थे वे भी अब तो आप वाली चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्या कहें, और आपने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है, अगर मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन था, इंजरी के मारे थोड़ा सा दूर हूँ स्पोर्ट्स से, पर मतलब देखा करते कि आप जब मेडल आया था खुद पर्सनली फ़ोन कराया करते प्लेयर के पास, और आपने फिट इंडिया जैसी मुहिम चलाई खेलो इंडिया, तो उससे खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान का आगाज किया है और स्वच्छता का संदेश देश भर के लिए दिया है। खुद श्रमदान करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। श्रमिकों के साथ उन्होंने न सिर्फ झाड़ू लगाई बल्कि कूड़ा भी उठाया, और इसके साथ ही श्रमिक के साथ हाथ मिलाते हुए भी पीएम मोदी नजर आए हैं। स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा,